सहारनपुर में मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। सहारनपुर में जैन कॉलेज रोड स्थित कमल कॉलोनी में सोमवार की देर रात एक मकान में आग लग गई। वहीं आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में जैन कॉलेज रोड स्थित कमल कॉलोनी में सुरेंद्र गहलोत का मकान है। इन दिनों वे अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में बिजनौर गए हुए हैं। मकान में ऊपरी हिस्से में पुलिस विभाग के उप निरीक्षक विद्यार्थी का परिवार रहता है। उप निरीक्षक शामली की कोतवाली केराना में तैनाती है। सोमवार की देर रात उनकी पत्नी शालू अपने दो बच्चों के साथ घर में अकेली थी। अचानक घर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर सीएफओ प्रताप सिंह दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग की टीम ने करीब आधा घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में 3 गाड़ियां लगी। आग में घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सीएफओ ने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है। फिलहाल के लिए बस इतना। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।